सोमवार को चरीपेट का पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले भीम चौक रोड स्थित अवनी ज्वेलर्स में चार व्यक्तियों द्वारा दिन दहाड़े घुसकर लूट की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया। इस संदर्भ में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर 2 बजे के बीच एक लुटेरा ग्राहक के रूप में जरीपेट का पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले भीम चौक रोड स्थित अवनी ज्वेलर्स में आया, जिसकी थोड़ी देर बाद उसका साथीदार दूसरा आरोपी वहां आया और दोनों ने फिरियादी से ग्राहक बन बातें कर फिरियादी को गुमराह किया। इस बीच उनका तीसरा साथीदार भी वहां आदम का, जिसने शटर को बंद कर दिया। वही उनका चौथा साथीदार दुकान की रखवाली कर रहा था। फिरियादी ने खुद को बचाने के उद्देश्य से जब चिल्लाने का प्रयास किया, तब आरोपी ने फिरियादी को मारपीट कर उसे बंधक बना दिया, जिसके कारण फिरियादी कुछ नहीं कर पाया। आरोपियों ने दुकान से लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए की नगद राशि चुराई और करीब 700 ग्राम सोने चांदी लेकर फरार हो गए। दुकानात जे शरीर आणि शटर बंद करून घेतलं आणि त्यानंतर त्यांनी त्याला बळाचा वापर करून पिस्टलसारखी जी आहे त्याचा धार दाखवून त्याला खाली पाडून त्याला बांधून ठेवलं आणि जेवढं काही त्याच्यामध्ये ज्वेलरीचा सामान होता, गोल्ड आणि सिल्वर सिल्वरचे ऑर्नामेंट सर्व काढून घेतलेले आहेत आणि सोबतच तिथे जवळपास 4 लाखाची कॅश होती असं त्यांचं म्हणणं आहे, ती पण घेऊन गेले अशी प्राथमिक रिपोर्ट आहे। यामध्ये असा अर्ज आहे की 4 लोकांनंतर 2 मोटरसायकलवर निघून गेलेले आहेत। त्याच्यासाठी आम्ही आता सर्व आपले इस मामले में पुलिस सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से आरोपी की तलाश कर रही है। फिरियादी द्वारा बताया जा रहा है कि उन 4 आरोपियों में से एक आरोपी शनिवार को उसकी दुकान में आया था, साथ ही संशय व्यक्त किया जा रहा है कि यह लुटेरों का एक गिरोह भी हो सकता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।